एस्टेट सेक्टर में ग्रोथ को लेकर क्या आउटलुक है, साथ ही विदेशों में श्रमिकों की बढ़ती मांग से किस तरह दिक्कतें आ रही हैं, इस पर टाटा रियल्टी के एमडी और सीईओ संजय दत्त से खास बातचीत की हमारे सहयोगी अनुराग शाह ने। जिस तरह से आपने बताया कि रियल एस्टेट सेक्टर जो है इन दिनों जो लेबर की शॉर्टेज से भी जूझ रहा है, तो लेबर शॉर्टेज का क्या परिणाम देखने को मिल सकता है, ग्राहकों के लिए कितनी लागत बढ़ सकती है और ये कितनी बड़ी चुनौती है रियल एस्टेट सेक्टर के लिए? देखिए, इंडिया जिस तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है, जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, जिस तरीके से ऑफिस की डिमांड बढ़ी है, पिछले 30 सालों में हमने कभी ऑफिस की डिमांड 60 मिलियन स्क्वायर फीट 8 सिटीज में नहीं देखी। वो बहुत बड़ा उसका कंट्रीब्यूशन है, योगदान है। दूसरी तरफ वेयरहाउसिंग लॉजिस्टिक, तीसरी तरफ डेटा सेंटर, फिर आपके स्टूडेंट हाउसिंग, फिर को लिविंग, को वर्किंग, सब तरीके से डिमांड चल रही है। और मैन्युफैक्चरिंग की हमने बात करी ऑलरेडी, तो ये सब का जो प्रेशर है, कंस्ट्रक्शन की तेजी जिस तरीके से बढ़ रही है, उसके लिए कंस्ट्रक्शन वर्कर्स चाहिए, उसकी डिमांड इतनी बढ़ गई है कि वो लेबरर्स की शॉर्टेज हो गई है। अब ये शॉर्टेज इसलिए भी हो गई है कि हमारे पास स्किल डेवलपमेंट करने के लिए एकेडमीज एंड इंस्टीट्यूशंस जिस लागत में चाहिए वो हमारे पास है नहीं। तो हमारे पास फंडिंग है प्राइम मिनिस्टर फंड की, ऑर्गेनाइजेशन जैसे फिक्की है, सीआईआई है, नेरेटको है, क्रेडाई है, वो बहुत उसमें इन्वेस्ट कर रही है, लेकिन वो भी अभी सफिशिएंट नहीं पड़ रहा है। दूसरी तरफ जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो भी उतनी तेजी से डेवलप और स्केल नहीं कर पा रहे हैं। चौथा पॉइंट, हमारे पास टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई है, सो हमें प्रीकास्ट कंस्ट्रक्शन अभी भी हम काफी वो काफी एक्सपेंसिव भी है और अभी हमारे पास कैपेसिटी भी नहीं है। दूसरी तरफ स्टील स्ट्रक्चर्स वायबल नहीं है, कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर्स वायबल नहीं है। सो हमारे को ये सब एंगल देखना पड़ेगा। एक आंसर अगर मैं बोलूं कि गवर्नमेंट चाहे ओवरनाइट होम्स को अफोर्डेबल कर सकती है, अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर, सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी तक हम हाईवेज, एयरपोर्ट, पोर्ट की बात कर रहे थे, लेकिन सिटी के अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर और सिटी के आउटर पेरिफेरी लोकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर तेजी से बढ़ा दें तो सारा रियल एस्टेट अफोर्डेबल हो जाएगा। मेरा सोचना यह है कि जितना मुश्किल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जितना प्रिमिटिव होता है, उतना रियल एस्टेट महंगा होता है।